कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। ओप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है, किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस, जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अप्पा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया, आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्याम। तुम बिना बात के बहस नहीं करते तो हम इस वक्त डांस के बदले कलर ही सीख रहे होते। घुंघरू के बिना मोहिनी अट्टम डांस नहीं होता। ये घुंघरू पहन लो, पर ध्यान रहे ये मेरे खास घुंघरू हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आसान से डांस स्टेप सीखेंगे। जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, ओके? इतने तेज नहीं, धीरे धीरे। नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बस बहुत हो गया। श्याम, ये तुमने क्या किया? वो मीना के खास घुंघरू थे। श्याम रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में, जहाँ मीना मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। हमें टॉयलेट जाना है। कमाल है, सबको एक साथ टॉयलेट आई है। मेरे घुंघरू! नहीं, मुझे छोड़ दो मीना, प्लीज मेरी पिटाई मत करना, छोड़ दो मीना। ये क्या बोल रहे हो श्याम? मीना तुम्हें नहीं पीटेगी, तुम चलो मेरे साथ। इस जंगल के बीच कौन नाच रहा होगा? कहीं मीना तो नहीं आ गई? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं उन्नी, ये तो कोई जादुई बेर है जो घुंघरुओं की तरह आवाज कर रहे हैं। श्याम, क्यों ना हम इन बेरों से घुंघरू बनाकर मीना को दे दे, इससे उसका गुस्सा झट से शांत हो जाएगा। पर क्या इन घुंघरू, मेरा मतलब है इन बेरों को तोड़ना ठीक होगा? मीना की मार खाने से तो अच्छा ही होगा। Ah!
खास घुंघरू है और तुमने सॉरी मीना, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे घुंघरू लाए हैं। देखो कैसे लगे। बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने घुंघरू जोड़ लिए हैं। चलो अच्छा है, ये सही इलाका है, यहाँ ताड़ के पत्ते चुटकी बजाते ही मिल जाएंगे। अरे हाँ देख, श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना, सोच ले। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इन पत्तों को। हाँ हाँ, चुटकी बजाते ही ले आओगे, ये तुम पहले भी 10 बार कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाओ। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है। और वो हम जरूर देख कर रहेंगे। पर गुरुजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और मीना को तो। अरे क्यों डरता है, उन्हें नहीं पता चलेगा, गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है, हमें अभी काम पर लग जाना चाहिए। मिशन सीक्रेट रूम शुरू। ये देखो देखो, गई गई, लगता है मीना अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई। हाँ, और गुरुजी भी अभी तक लौटी नहीं। इसका मतलब क्या मतलब? इसका मतलब यही सही मौका है, चलो ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला तोड़ने की कोशिश? अब तो मुझे लो। कैसे आती हो, एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे? कोई केले वेले नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या कह रहा था, कल इसी समय प्रैक्टिस में मिलेंगे। यहाँ बड़बड़ा रहे हो तुम सब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ, तुम आराम से डांस प्रैक्टिस करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो